प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ट्यूलोस एजुकेशन। आई एम डॉक्टर शीतल पुरी एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। एंड एज ऑलवेज आई प्रॉमिस दैट आई वोंट लेट यू गेट बोर्ड। मैं आपको बोर बिल्कुल नहीं होने देने वाली, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फैक्टर्स जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को अफेक्ट करेंगे वो हैं हाइट, लोकेशन, एज, जेंडर, फिजिकल एक्सरसाइज, ओबेसिटी एंड स्मोकिंग। इन सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले और कैसे ही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को अफेक्ट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम समझने वाले हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हाइट। देखिए, जितने भी फैक्टर्स हैं ये क्या अफेक्ट करेंगे, ये इंडिविजुअल की टोटल लंग कैपेसिटी और वेंटिलेशन रेट को, इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेंगे एंड बहुत सारे फैक्टर्स को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हाइट। वेरी ऑब्वियस, टॉलर पीपल दे टेंड टू हैव लार्जर चेस्ट। लंबे लोग दे हैव लार्जर चेस्ट एंड हेंस दे हैव लार्जर टोटल लंग कैपेसिटीज। वेरी ऑब्वियस। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर लोकेशन। इसके बारे में हम बहुत अच्छा सा डिस्कशन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन करेंगे एंड आप इसको इकोलॉजी से भी कनेक्ट कर पाएंगे जैसे कि हम डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहली बात, अ पर्सन हु इज़ बॉर्न एंड लिव्स एट सी लेवल, राइट, ही और शी विल डेवलप अ स्लाइटली स्मॉलर लंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू अ पर्सन हु स्पेंड्स देयर लाइफ एट अ हाई ऑल्टीट्यूड। जो लोग ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं, उनकी लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पीपल हु लिव एंड आर बॉर्न एट सी लेवल। ऑलराइट, क्यों हम ये सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए प्लीज़। जैसे हम जितने हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाते जाते हैं, उतना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता जाता है एंड एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की वैल्यू भी कम हो जाती है, राइट। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, एवरीबडी नोज। तो उससे कम हो जाती है जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पे जाते हैं। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ लोअर एट अ हायर लेवल एट अ हायर ऑल्टीट्यूड, विच एज अ रिजल्ट मीन्स दैट ऑक्सीजन विल बी लेस रेडिली डिफ्यूजिबल और विल लेस रेडिली डिफ्यूज इन टू द ब्लड स्ट्रीम, राइट। अब ये पार्शियल प्रेशर का फंडा हम एक बहुत ही सिंपल डायग्राम से डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो देखिए, एल्वियोलाई, सपोज दिस इज एल्वियोलाई जहाँ पे अल्टीमेट गैशियस एक्सचेंज होता है लंग में, राइट, एंड उसके नीचे से क्या है, ये एल्वियोलर कैपिलरी या पल्मोनरी कैपिलरी, जिसमें से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, विच इज़ ब्रॉड बाय पल्मोनरी आर्टरी, दी ओनली आर्टरी विच ब्रिंग्स दी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस क्या है, पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर हम मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लेते हैं तो उसमें से एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी इंडिविजुअली, उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, राइट। अब एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 104 है, राइट। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी है, सिर्फ वैल्यू लिखी है। एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 40, राइट। अगर हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, ऑक्सीजन होता है लेकिन कम होता है। जो हम फ्रेश एयर इनहेल करते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम फाउल एयर भी बोलते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन रह जाता है, क्योंकि टिश्यूज़ अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होगा, कम होगा, एंड हेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कम है, 40 है। तो अब देखिए, एक गैस हमेशा अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाती है, तो यहाँ पे 104 है वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो किधर डिफ्यूज़ करेगा ऑक्सीजन, एरोज देखिए, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, राइट, और डिफ्यूज़ करा ऑक्सीजन, इसलिए वैल्यू कितनी हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू बढ़ के 95 हो गई, राइट। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज़ कर जाएगा, राइट, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू होती है 45, और एल्वियोलाई में कितनी होती है, फ्रेश एयर में 40 रहती है, ओके, यहाँ पे 40 होती है, इसलिए 45 से 40 की तरफ डिफ्यूज़ करेगा, बाहर की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा, वेरी सिंपल, राइट। हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी एक तरीके से कवर कर रहे हैं। सो अब हमने यहाँ पे ये कवर कर लिया, सो 104 से डायरेक्टली 40 में डिफ्यूज़ किया, राइट। सो इसीलिए डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर पे बहुत डिपेंडेंट होता है कि ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ करेगा। जो फैक्टर हमने यहाँ पे पढ़ा, दैट ऑक्सीजन विल लेस रेडिली डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑलराइट, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे कम हो जाता है।
अब जो मैंने ये राइट साइड पे टेक्स्ट लिखा है, इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा समझने वाले हैं, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी इन एटमॉस्फेरिक एयर इज 159। देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक हम समझेंगे और इस लॉजिक को हम यूज करेंगे नीट का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसका आंसर मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन रेफरेंसेस पे, ऑनलाइन सोर्सेज पे गलत बताया हुआ है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। देखिए अब यहाँ पे आप एक बात सोचिए कि एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 104 कैसे हो गया, यहाँ पे 104 कैसे हो गया, ये लॉजिक हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, लेकिन ताकि आपको आराम से समझ आ पाए, आप कनेक्ट कर पाए, मैं फिर दोबारा से डिस्कस कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमने फ्रेश एयर इनहेल की उसके अंदर 159 था, राइट, यहाँ पे 104 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली गैस एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज कर रही है, तो फ्रेश एयर जो है वो मिक्स हो जा रही है उस एयर के साथ जो कि एल्वियोलाई में है, प्रेजेंट है, उस एयर को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट, बिकॉज कंटिन्यूस गैस एक्सचेंज हो रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन डिप्लीटेड रेजिडुअल एयर है जिसमें से ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन कम है, वो मिक्स हो जाएगी फ्रेश एयर के साथ, राइट। अब फ्रेश एयर में 159 था क्योंकि मिक्स हो गई एयर रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ में, इसीलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, 104 पे आ गया। रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये वो वॉल्यूम है जो कि एल्वियोलाई में हमेशा प्रेजेंट होगी, लंग में हमेशा प्रेजेंट होगी, चाहे आप कितना भी जतन कर ले, कितना प्रयत्न कर ले, कितना फोर्सिबली एक्सहेल कर ले, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा लंग्स में एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है, राइट। एंड इसी रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से आप देख रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से रेस्पायरेशन जो है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। मैंने बहुत इनडायरेक्ट हिंट दे दिया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा समझा दिया है यहाँ पे एक नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका आंसर ऑलमोस्ट हर सोर्स पे गलत दे रखा है, सो प्लीज़ आई डोंट वांट टू गो इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन, ओके, इसीलिए मैंने दोबारा से रिपीट किया है ये लॉजिक। ऑलराइट, सो पीपल हु लिव इन हाई एल्टीट्यूड वो अकोमोडेट करते हैं इस सिचुएशन के साथ, क्या 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 होगा, उनमें पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाएगा, पॉली का मतलब है ज़्यादा, राइट, तो आरबीसी जो होते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, आरबीसी नंबर में इंक्रीज कर जाते हैं, और आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस बॉडी पार्ट्स में, राइट, तो एक अकोमोडेशन हो गई उन लोगों में जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर रह रहे हैं, आरबीसी नंबर में इंक्रीज कर जाएंगे, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ने लॉजिक भी समझ लिया। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम की मदद से मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ समझाने वाली हूँ डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, राइट, एंड कैसे अफेक्ट होगी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम सी लेवल की बात कर रहे हैं, हमने डिस्कस किया 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है सी लेवल पे। जब हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि डायफ्राम जो है वो डोम शेप से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट हो जाता है, राइट, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है। ये देखिए डायफ्राम है डोम शेप, राइट, कि नीचे आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट होता है, जिसकी वजह से थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ती है और प्रेशर नेगेटिव में जाता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, 760 से कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हवा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगी, यानी कि बाहर से अंदर आएगी लंग्स में। ऑलराइट, तो यहाँ पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया अपने नॉर्मल लेवल पे, अपने नॉर्मल जितना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अगर हम हाई अल्टीट्यूड की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर की वैल्यू सपोज 730 हो गई, कम हो गई हम जितनी ऊंचाई पे गए। अब ये देखिए यहाँ पे तो 760 से 759 डेवलप हुआ था, थोड़ा सा कम, अब 730 से और ज़्यादा कम करना पड़ेगा अगर हम इनहेल करना चाहते हैं तो, राइट, ओके, सो 730 से और ज़्यादा कम हमें वैल्यू लानी पड़ेगी, 729 डेवलप करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे तो इस एग्जांपल में सिर्फ इतना ही है, जो ब्लैक एरो है सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था डायफ्राम, राइट, लेकिन क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू हमें कम डेवलप करनी पड़ी है थोरैसिक कैविटी में, 729, ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस 759 से 729, तो रेड एरो के हिसाब से जिसको मैंने डेमोंस्ट्रेट कर रखा है डायफ्राम और ज़्यादा नीचे आएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एज यू कैन सी इन दी रेड एरो यहाँ पे, राइट, तो दैट इज़ वाई डायफ्राम को और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स भी बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों पे जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पे रह रहे हैं। ऑलराइट, सो बिकॉज ऑफ द लोअर एनवायरमेंटल एयर प्रेशर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स,
right? The air pressure within the breathing system must be lower in order to inhale, so that the thoracic diaphragm has a tendency to lower to a greater extent. यही हमने discuss किया कि diaphragm और ज़्यादा greater extent तक नीचे जाएगा, which in turn causes an increase in the lung volume. Very simple, okay? तो अब हम altitude sickness के बारे में छोटा सा discussion करते हैं. देखिए, जब भी हम कभी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, राइट, द पर्सन हु इज़ लिविंग एट अ सी लेवल, तो अगर वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाता है तो क्या होता है, हेडेक होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं कुछ लोगों को वॉमिटिंग फील होने लगती है, नॉजियाटिक होने लगता है. तो इन सारे सिम्टम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस, राइट. किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज उनके लंग्स जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छे से रिमूव कर पा रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है लेने के लिए. ऑलराइट, तो जब आप में से कोई ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं तो ऐसे कॉशन, ऐसी वार्निंग्स लिखी रहती है, पोस्टर्स लगे रहते हैं, बोर्ड्स लगे रहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा हाइट पर हैं, यूर इफ एट सच मच हाइट, एंड सो प्लीज़ एग्जर्ट मत कीजिए, स्मोक मत कीजिए, और 20 मिनट से ज़्यादा टाइम मत यहाँ पे स्पेंड कीजिए, और अगर चेस्ट पेन हो या ब्रेथलेसनेस हो तो मेडिकल अटेंशन सीक कीजिए. किसकी वजह से, इन्हीं रीजंस की वजह से. ऑलराइट, वेरी गुड, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए. आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर लाइकिंग द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ऑलराइट, ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे एज के बारे में. देखिए, एज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लंग वॉल्यूम्स है वो स्टेडिली इंक्रीज करती हैं, राइट. कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ करेंगे, देखिए बर्थ से लेके एडल्टहुड तक इंक्रीज़ करती हैं लंग वॉल्यूम. लेकिन जब लंग मेच्योर करते हैं एट दी एज ऑफ 20 to 25 ईयर्स, से मिनिमल चेंजेस होते हैं अगले 10 सालों तक. ऑलराइट, अब 35 ईयर्स के बाद क्या होता है, आफ्टर 35 ईयर्स एजिंग इज एसोसिएटेड विद ग्रेजुअल चेंजेस. कुछ चेंजेस होने लगते हैं लंग वॉल्यूम और अदर पल्मोनरी फंक्शंस में, राइट. क्या होगा, 35 ईयर्स के बाद में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये एज के साथ में इंक्रीज करने लगती हैं. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, द एयर विच रिमेन्स इन द लंग व्हेन वी नॉर्मली एक्सहेल. जब हम नॉर्मली एक्सहेल करते हैं तो उसके बाद में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाती है उसको हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोल रहे हैं, राइट. और रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्सिबली एक्सहेल करने के बाद भी हमारे लंग्स में जो वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाएगी उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोल रहे हैं, द लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स. ये सारे ट्रिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हैं. तो जब ये दोनों की दोनों इंक्रीज कर जाएंगी, राइट, तो वाइटल कैपेसिटी अपने आप लोअर डाउन हो जाएगी, अपने आप ये डिक्रीज कर जाएगी. क्यों, क्योंकि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी वो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो हम एक्सहेल कर पाते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सहेल आफ्टर फोर्सिबल इनहेलेशन. अगर हमने फोर्सिबली इनहेल कर लिया उसके बाद हम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जितना एक्सहेल कर पाएंगे उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी. जब रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ गई और FRC भी बढ़ गई, राइट, तो डेफिनेटली वाइटल कैपेसिटी जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लोअर डाउन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और वैसे भी हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्या है, लीडर ऑफ ऑल वॉल्यूम्स है, राइट. और वाइटल कैपेसिटी एसोसिएटेड है फोर्स के साथ, फोर्सिबल इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन के साथ. और लीडर कभी भी फोर्स से आप उसको रिझा नहीं सकते, फोर्स से आप उसको कभी अपने साथ नहीं ला सकते, राइट. तो जब भी रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ेगी वाइटल कैपेसिटी हमेशा डिक्रीज करेगी. ऑलराइट, और FRC क्या थी, FRC है आपकी ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट. तो ऐसे हमने छोटी सी ट्रिक बनाई थी, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, ओके. सो जेंडर के बारे में हम डिस्कस करेंगे. जेंडर, ऑफ कोर्स मेल्स विल हैव अ लार्जर लंग साइज, देयरफॉर दे हैव मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, एंड उनके एयर वेज के जो डायमीटर होता है वो भी वाइड होता है, चौड़ा होता है कंपेयर्ड विद द फीमेल्स ऑफ द सेम एज एंड स्टेचर. ऑलराइट, तो डेफिनेटली लार्जर वॉल्यूम होगी, लार्जर लंग वॉल्यूम होगी, लार्जर लंग कैपेसिटी होगी. ऑलराइट, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप जितना फिजिकली एक्टिव होंगे, जितनी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम एक एथलीट को कंपेयर करते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ में, तो हमेशा एथलीट्स की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ बड़ी होंगी, ज़्यादा होंगी विद कंपेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल. ऑलराइट, तो जितना फिजिकली एक्टिव होंगे, जितनी रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ ज़्यादा होंगी. ओके, नाउ ओबेसिटी, हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं. ओबेसिटी की वजह से, पहली बात तो याद रखेंगे, ओबेसिटी की वजह से हमेशा लंग वॉल्यूम जो है वो कम होती है, रिड्यूस होती है. कैसे होती है कि हम डायग्राम की मदद से समझेंगे भी,
राइट। और पहली बात देखिए, ये मोर प्रेवलेंट होती है, ज़्यादा नोटिसेबल होती है मेल्स के अंदर, क्योंकि फैट अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेल्स को जब हम फीमेल से कंपेयर करते हैं तो क्या होता है, मेल्स में अब्डोमेन में ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है, अब्डोमिनल रीजन में, और फीमेल्स में पेरिफेरल, राइट। पेरिफेरल का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर, और एरियाज में डिपॉजिट होता है फैट, लेकिन मेल्स में अब्डोमिनल रीजन में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ऑल राइट, सो प्रपोज मैकेनिज्म क्या है, किसकी वजह से होगा, राइट। बिकॉज क्या होता है, देर इज इंक्रीज्ड वेट ऑफ द एडिपोज टिश्यू ऑन द चेस्ट वॉल एंड अब्डोमेन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। एडिपोज टिश्यू जो है वो चेस्ट वॉल और अब्डोमेन पे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग और चेस्ट वॉल जो है वो इतनी आराम से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, इतना उनका जो है कंप्लायंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग कंप्लायंस क्या है, देखिए, कंप्लायंस इज द एबिलिटी और द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू स्ट्रेच और एक्सपैंड द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। लंग और चेस्ट वॉल कितना आराम से एक्सपैंड कर पाते हैं, हम उनको लंग या चेस्ट वॉल की कंप्लायंस बोलते हैं। ऑल राइट, तो जब इतना फैट डिपॉजिट हो गया तो लंग्स और चेस्ट वॉल आराम से एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। ओके, सो क्या हो गया, देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन एंड अराउंड द रिब्स, राइट। यू कैन विजुअलाइज, एंड जो डायफ्राम होता है, अब्डोमेन होता है, उस पर एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता और चेस्ट वॉल एक्सपैंड नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, इनहेलेशन के वक्त में देखिए, देर इज अ डिक्रीज इन टोटल लंग कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड FRC, राइट। कि सब हम डायग्राम की मदद से समझते हैं, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। देखिए, FRC जो है आपका रेस्टिंग लंग वॉल्यूम्स में, जो कि नॉन ओबीस पर्सन है, राइट, जिसपे ओबेसिटी नहीं है, उसमें FRC जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, राइट। अगर हम एक ओबीस पर्सन को देखते हैं, ओबीस पेशेंट को देखते हैं, तो मैंने ये एडिपोज टिश्यू जो ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया है, राइट, ये एडिपोज टिश्यू देखिए डायफ्राम है इसके नीचे, यहाँ पे डायफ्राम आ जाएगा लंग्स के नीचे। अब ये एडिपोज टिश्यू ऐसे प्रेशर बना रहा है, ऐसे एरोज जो आप देख सकते हैं, तो डायफ्राम नीचे नहीं आ पा रहा है, और यहाँ पे चेस्ट वॉल की साइड में भी एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। अब एडिपोज टिश्यू देखिए कैसे प्रेशर बना रहा है, तो लंग्स ना ही एक्सपैंड कर पा रहे हैं, ना ही चेस्ट वॉल एक्सपैंड कर पा रही है, तो जो FRC है, राइट, FRC जो है वो, दैट इज़ वाई वो रिड्यूस हो जाती है ओबीस पेशेंट्स में। वेरी क्लियर, अब आप समझ पाए कि कैसे फैट जो है वो कॉज कर रहा है रिड्यूस लंग वॉल्यूम ERV एंड FRC में। ओके, क्लियर। अब ऐसा नहीं कि वेट लॉस से जो है ये कंडीशन ठीक नहीं हो सकती, अगर ओबीस पेशेंट वेट लॉस करते हैं, जो कि एनकरेज करना भी चाहिए, तो ये सारी की सारी कंडीशंस रिवर्स भी हो सकती है। ऑलराइट, एट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग भी आपके पल्मोनरी फंक्शन को डिक्रीज कर देता है। जो टार होता है सिगरेट स्मोक में, राइट, द टार इन द सिगरेट स्मोक, टार क्या है, द केमिकल विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग ऑफ टोबैको, राइट, वो आपके लंग्स को कोट कर देता है, इट कोट योर लंग्स एंड मेक द एयर सैक्स लेस इलास्टिक, राइट, एल्वियोलाई एयर सैक्स लेस इलास्टिक हो जाएंगे। स्मोकिंग ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लेम, फ्लेम क्या होता है, थिक म्यूकस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्मोकिंग, ये क्या करता है, लंग्स को कंजेस्ट कर देता है, एयर वेज को कंजेस्ट कर देता है। स्मोकिंग इवन अ फ्यू सिगरेट्स अ डे कैन डिक्रीज योर बॉडीज एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन एफिशिएंटली, क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए, एयर सैक्स लेस इलास्टिक हो गए हैं, लंग्स कंजेस्ट हो गए हैं, तो ऑक्सीजन इतना इफेक्टिवली यूज नहीं हो पा रही है, राइट। अब टोटल लंग कैपेसिटी ऐसे पेशेंट्स में डिक्रीज कर जाएगी, ऐसे लोगों में डिक्रीज कर जाएगी बाय डैमेज टू द चेस्ट मसल्स, देयर बाय रिड्यूसिंग द चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट मसल्स डैमेज हो गए इसलिए चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ऑल राइट, सो आई होप यू रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड रियली अप्रिशिएट। अगर कोई भी डाउट्स है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, उनका रिप्लाई भी करने वाली हूँ। ऑल राइट, सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गुड बाय।